हेलो फ्रेंड्स, एमएम इलेक्ट्रॉनिक्स लैब में आप सबका स्वागत है। आज हमारे पास एक सैमसंग का 32 इंच का एलईडी भी आया है। तो फ्रेंड्स, इसका फॉल्ट है कि इसका पावर नहीं आ रहा है, मतलब इसका पावर सप्लाई में फॉल्ट है। तो ठीक है फ्रेंड्स, हम इसको खोलते हैं और रिपेयरिंग करके आपको दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप एलईडी टीवी को जब भी खोलते हैं तो इसको ध्यान से खोलिए, नहीं तो इसका स्क्रीन भी खराब हो सकता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, हम इसको जल्दी से निकालते हैं और आपको रिपेयरिंग करके दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स, हमने इसको निकाल दिया है, देख सकते हैं आप। ये इसका पावर सप्लाई का बोर्ड है और ये इसका मदरबोर्ड है, देखिए आप। तो ठीक है फ्रेंड्स, हम इसको मल्टीमीटर से चेक करते हैं और आपको बताएंगे कि इसमें फॉल्ट क्या है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा 32 इंच का पावर सप्लाई बोर्ड है, देखिए आप। और ये इसका मदरबोर्ड है, देखिए। इसमें दो स्पीकर दिया गया है। तो ठीक है फ्रेंड्स, हम इसको एसी वोल्टेज में लगाकर आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें पावर ऑन नहीं हो रहा है, देखिए आप। इसमें जो ये छोटा सा एलईडी बल्ब लगता है वो भी ऑन नहीं हो रहा है। तो ठीक है फ्रेंड्स, हम इसको मल्टीमीटर से इसका वोल्टेज को चेक करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसका जो आउटपुट का रेक्टिफायर है, इसमें कोई भी वोल्टेज नहीं आ रहा है। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा दो रेक्टिफायर लगा है, इसमें डीसी 12 वोल्ट आना चाहिए और यहाँ पे कोई भी वोल्टेज नहीं आ रहा है। वो ठीक है फ्रेंड्स, हम इस बोर्ड को निकालते हैं, इसका वोल्टेज को चेक करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा एसी वोल्टेज का सप्लाई सही है, यहाँ पे एसी वोल्टेज आ रहा है, इसमें 196 का वोल्टेज आ रहा है। वो फ्रेंड्स, ये हमारा एसी वोल्टेज का सप्लाई सही है। उसके बाद यहाँ पे कंपनी ने दो फिल्टर कॉयल लगाया है। उसके बाद फ्रेंड्स, हमारा वोल्टेज फिल्टर होके ब्रिज रेक्टिफायर में जाता है। उसके बाद हमारा वोल्टेज डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट होता है। तो फ्रेंड्स, मल्टीमीटर को आप डीसी 1000 वोल्ट पे सेट करें। उसके बाद हम यहाँ पे हमारा एक फिल्टर कैपेसिटर लगा है, जो कि 100 UF 450 वोल्ट का कैपेसिटर यहाँ पे लगा है। वो हम उस पर वोल्टेज चेक करेंगे। यहाँ पे हमारा 330 वोल्ट आ रहा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा डीसी वोल्टेज सही आ रहा है। तो फ्रेंड्स, इसका जो एक साइड का पावर सप्लाई का सेक्शन है, इसमें कंपनी ने ग्लू लगा कर फिक्स कर दिया है, देखिए आप। ठीक है फ्रेंड्स, हम उसका जो स्पेयर लगा हुआ है, मल्टीमीटर से चेक करेंगे कि कौन सा स्पेयर हमारा खराब हो चुका है। तो फ्रेंड्स, इसका जो इनपुट का वोल्टेज है वो तो सब सही है। फ्रेंड्स, इसका जो आउटपुट में दो रेक्टिफायर लगा है, तो फ्रेंड्स, रेक्टिफायर खराब होने से भी आपका आउटपुट वोल्टेज नहीं आएगा। पहले तो हम इस बोर्ड के आउटपुट में जो रेक्टिफायर लगा है उन सबको चेक करेंगे। ये रेक्टिफायर तो फ्रेंड्स हमारा सही है, देखिए आप, ये हमारा शॉर्ट नहीं है, रीडिंग ले रहा है। उसके बाद ये वाला रेक्टिफायर भी हमारा सही है, यहाँ पर हमारा रीडिंग आ रहा है, ये भी शॉर्ट नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये जो रेक्टिफायर लगा है ये शॉर्ट हो चुका है, देखिए आप, ये हमारा शॉर्ट होके कोई भी रीडिंग नहीं आ रहा है और इसका बीप साउंड भी आ रहा है, आप सुन सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हमारा रेक्टिफायर लगा है वो शॉर्ट हो चुका है। तो ठीक है फ्रेंड्स, हम इसको निकाल के इसमें नया वाला रेक्टिफायर लगाएंगे। फ्रेंड्स, हमने रेक्टिफायर को निकाल दिया है, ठीक है, हम इसको मल्टीमीटर से चेक करके आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा रेक्टिफायर शॉर्ट है, देख सकते हैं, ये कोई भी रीडिंग नहीं आ रहा है और ये इसका बीप साउंड आ रहा है, देख सकते हैं आप। तो ये हमारा दूसरा वाला रेक्टिफायर भी शॉर्ट है, देखिए आप। तो ठीक है फ्रेंड्स, हम इसमें नया वाला दो रेक्टिफायर लगा के आपको इसका वोल्टेज चेक करके दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने दो रेक्टिफायर लगा दिया है, उसके बाद इसको एसी सप्लाई लगा के इसका वोल्टेज को चेक करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा 12 वोल्ट का सप्लाई आ चुका है, देखिए आप। तो ठीक है, हम इसको सर्किट में लगा के आपको चला के दिखाएंगे।
यहाँ पे हमारा 12 वोल्ट का आउटपुट अब आ रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा ये बोर्ड लग चुका है। तो फ्रेंड्स ये हमारा एलईडी बल्ब ऑन हो चुका है, देखिए आप। ये हमारा आउटपुट का वोल्टेज भी अब सही है, देखिए। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूले। तो फ्रेंड्स ये हमारा एलईडी ऑन हो चुका है, देखिए आप। तो ठीक है फ्रेंड्स, हम इसका कवर को लगा के आपको फिर चला के दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स ये हमारा अब सही हो चुका है, देख सकते हैं आप।